Bismillahirrahmanirrahim. In these lectures, we are going to learn about management functions and activities. An important thing is that, first of all, we should learn about the project management and then software engineering project management. Basically, project management जो है वो software से related है या नहीं है, पहले हमने इसको learn करना है कि इसमें क्या हो रहा है. This is a system of management, procedures, practices, technologies, skills and experience. Actually, हमने इन चीज़ों को manage करने के लिए एक system बनाया है ताकि हम किसी भी engineering related project को successfully manage कर सकें. सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को अगर हम डिफ़ाइन करें, ये ऐसे होगा कि हमने अपने तमाम प्रोसीजर्स, प्रैक्टिसेस, टेक्नोलॉजी, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस को इस तरह से मैनेज करना है कि हम उनको यूटिलाइज करके एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट को सही तरीके से मैनेज कर सकें. नाउ कमिंग टूवर्ड्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो कि हमारे कॉन्टेंट और हमारे कोर्स से रिलेटेड है, जो हम सीख रहे हैं. एक ऐसा प्रोजेक्ट मैनेज करना जिसकी जो एंड प्रोडक्ट है वो सॉफ्टवेयर हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट कहलाता है. कि बेसिकली आपने एक ऐसे सिस्टम को यूटिलाइज़ करना है जिसमें तमाम स्किल्स, टेक्नोलॉजीज, प्रैक्टिसेस को एक स्ट्रक्चर्ड, एक फॉर्मल वे में यूटिलाइज करके हम एक सॉफ्टवेयर को इंजीनियर कर सकें. दिस इज़ नोन एज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के साथ जो इश्यूज़ आ रहे हैं उनमें से सबसे कॉमन है, दैट इज़ 70% ऑफ सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन हैव नो डिफाइंड मेथड्स. उनके पास कोई फॉर्मल मेथड्स नहीं है, कोई टेक्निक्स नहीं है ताकि जिनको यूटिलाइज करके वो अपने सॉफ्टवेयर को सक्सेसफुल वे में इंजीनियर कर सके. दिस द सेकेंड इम्पॉर्टेंट इशू इज़ दैट कि प्रोसेसेस आर डिफाइंड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट. हम जब प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे होते हैं, तब जाके हम किसी प्रोसेस को अडेप्ट करते हैं ताकि हम उसे यूटिलाइज करके अपने प्रॉपर तरीके से या फॉर्मल वे में सॉफ्टवेयर को इंजीनियर कर सके. जो फॉर्मल वे है वो ये है कि डेवलपमेंट से पहले चीज़ें सारी की सारी स्ट्रीमलाइन हो जाए. As we were discussing in the previous lessons about 4 V's and W5HH, that we have to plan the software first. So this is a drawback. Another issue is that कि finally when we are not having the formal methods or formal ways, techniques to follow for engineering the software, software finally ends up late. सॉफ्टवेयर लेट होगा आपका, ओवर बजट होगा, अपनी रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपर तरीके से मीट नहीं करेगा, जो कि हमारा क्या होगा कि एंड हमारा जो होगा एक गार्बेज होगा. ठीक है. सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट टुडेज मेजर प्रॉब्लम्स विद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आर नॉट टेक्निकल प्रॉब्लम्स बट द मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स. हम टेक्निकली उसे अच्छा बना देते हैं, डिज़ाइन कर देते हैं, बट वेयर इज़ द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज़ on the management size, that we are not having the proper control, proper management, proper formal methods to follow, etc. हमने जो आज लर्न करना है वो ये लर्न करना है कि what are the management functions and activities. Important management functions include planning, organizing, staffing, directing, जिसको आप लीड करना कहते हैं, जिसको मैनेज करना कहते हैं, एंड कंट्रोलिंग. सो मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा फैक्टर है आपके पास? प्लानिंग, जहाँ से स्टार्ट होगा. प्लानिंग लीड्स टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं प्लानिंग एक्टिविटीज़ को. प्लानिंग एक्टिविटीज़ में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स डिफाइंड हों, हमने उन्हें सेट कर दिया हो कि एंड प्रोडक्ट को, हमारी जो एंड प्रोडक्ट है उसमें हमारा क्या ऑब्जेक्टिव होगा और उस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है, कौन सा गोल है. दैट शुड बी सेट बिफोर स्टार्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ योर सॉफ्टवेयर. सेकेंड थिंग इज़ दैट कि व्हेन यू हैव पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स, यू हैव टू मेक डिवेलप सम स्ट्रैटेजीज. उन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हुए, उन पर अमल करते हुए, उनको अडेप्ट करते हुए आप अच्छे तरीके से सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकें. थर्ड थिंग इज़ दैट कि व्हाट विल बी द बेसिक पॉलिसीज टू फॉलो.
हमने पॉलिसीज़ कौन सी यूटिलाइज करती हैं, फोरकास्ट फ्यूचर सिचुएशंस, आपने उन तमाम चीज़ों के बारे में प्रेडिक्ट करना है, अपने बजट के बारे में, अपने टाइम स्पैन के बारे में, अपने रिस्क को मैनेज करना है. सो यू हैव टू ऑल प्री डिफाइंड जो आपके पास टाइम लाइन्स हैं उनमें एक फ्लैक्सीबिलिटी अडेप्ट करनी है. आपने उन तमाम सिचुएशंस को ऑलरेडी फोरकास्ट करना है जो कभी भी पॉसिबिलिटी, जिनके होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है. कंडक्ट अ रिस्क असेसमेंट, आपके प्रोडक्ट को, आपके सॉफ्टवेयर को किस टाइप का रिस्क फेस करना पड़ सकता है, आपने उसकी असेसमेंट करना है. डिटरमिन पॉसिबल कोर्सेज ऑफ एक्शन, अगर कोई रिस्क फेलियर, अगर कोई रिस्क है या प्रोजेक्ट फेलियर किसी भी सूरत में, किसी भी फ्यूचर सिचुएशन कोई ऐसी आ सकती है, तो उसके लिए आपने प्रॉपर मैनेज करनी है चीज़ें, प्रॉपर चीज़ों को तैयार करना है, उन कोर्सेज ऑफ एक्शन को स्ट्रीमलाइन करना है. अगर पॉसिबिलिटी वन है तो आपका एक्शन क्या होगा, अगर पॉसिबिलिटी टू है तो आपका एक्शन क्या होगा. यू हैव टू मेक प्लानिंग डिसीजंस, you have to set procedures and rules, you have to develop project plans, aapne project ke plans develop karne hai. Start pe ye hoga, first step ye hoga, second step ye hoga, third ye hoga, etc. Prepare budgets, that is very important step, because without finance, without proper planning of your budget, you will be unable to develop and to pay your team members. Theek hai, unko aap budgeting agar aap nahi karenge, so you can have a failure definitely. एंड डॉक्यूमेंट प्रोजेक्ट प्लान, जब आप सारी चीज़ें प्लान आउट कर लें, आप अपने प्रोसीजर्स, अपने प्रोसेसेस डिफाइन कर लें, तो आपने उनको फाइनली क्या करना है, डॉक्यूमेंट करना है, उनको लिखना है, उनके उनका कोई डिलीवरेबल बनाना है. सो दीज आर ऑल रिलेटेड टू योर प्लानिंग एक्टिविटीज़. द सेकेंड वन इज़ ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़. जब हम किसी कॉन्सेप्ट ऑर्गेनाइजिंग के कॉन्सेप्ट में आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमने एज अ होल जो ग्रुप फंक्शन है, आपके ग्रुप का प्रोजेक्ट का ग्रुप फंक्शन है, एक्टिविटीज़ हैं या टास्क हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, उसके बाद अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स को सिलेक्ट करना है. आपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में सिलेक्शन से मुराद ये है कि आपने पोजीशंस को डिफाइन करना है, कौन सी पोजीशंस होगी. एज वी वर लर्निंग अबाउट द पीपल when we were making the team management, ठीक है. सो आपने ऑर्गेनाइजेशनल, पहले ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाना है, उसके बाद उनमें पोजीशंस को क्रिएट करना है, और उसके बाद जब आपके पास प्रॉपर टीम आ जाए, टीम मेंबर्स आ जाए, पोजीशंस क्रिएटेड हों, हर प्रॉपर मेंबर को उसका एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपने डिफाइन करनी है. उस टीम मेंबर्स को जब आप पोजीशंस असाइन कर देंगे, आपने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी रोल्स, उनके रोल्स, उनकी अथॉरिटीज़ उनको डिफाइन कर देनी है. उसके बाद आपने इस्टेब्लिश करनी है पोजीशन की क्वालिफिकेशंस, और फाइनली जो भी आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस रेडी हों या जो आप ऑलरेडी चीज़ें डिसाइड कर चुके हों, आपने उन्हें डॉक्यूमेंट करना है. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो हमने अभी पढ़ा है, आप मेंटेन करेंगे, उसमें आपके पास कन्वेंशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा, आपके पास प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा, आपके पास टीम स्ट्रक्चर होगा. जो कन्वेंशनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा, उसमें एक लाइन ऑर्गेनाइजेशन है, एक स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है. इससे मुराद ये है कि आपने प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन करनी है अपने टास्क की, अपनी ड्यूटीज़ की और अपने टीम मेम्बर्स की. जब बात आ जाएगी आपके प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की, तो उसमें आपने फंक्शनल ड्यूटीज़ को देखना है, उनकी मैनेजमेंट करनी है, अपने प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट करनी है, अपने मैट्रिक्स की मैनेजमेंट करनी है. फंक्शनल से मुराद, हमने जैसे ऑलरेडी प्रीवियस लेसन्स में डिस्कस किया था कि हमने अपने प्रोजेक्ट को डीकम्पोज करना है उसकी फंक्शनल एक्टिविटीज़ में, कौन से मेजर फंक्शंस हैं, कौन से माइनर फंक्शंस हैं. इसी तरह से आपने एक प्रॉपर प्रोजेक्ट का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रेडी करना है. और जब बात आ जाएगी आपकी टीम स्ट्रक्चर की, तो आपने टीम को डिफाइन करते हुए, यू मस्ट बी ईगोलेस, ठीक है, हायरार्किकल होना चाहिए, उसमें एक चीफ प्रोग्रामर इस्टेब्लिश होना चाहिए. ईगोलेस से मुराद ये है कि बाइस्डनेस ना हो, उसमें फेवरेटिज्म ना हो, उसमें स्किल्ड पर्सन्स हो, पर्सन्स को उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग जो है आप प्रॉपर पोजीशन असाइन करें. और हायरार्किकल से मुराद ये है कि आपका टीम हेड होगा, उसके बाद फर्दर सबऑर्डिनेट्स आएंगे. आप एक प्रॉपर मैनेजर होगा जिसके अंदर पूरी टीम जो है वो वर्किंग करी होगी.
इस्टैब्लिश पोजीशन क्वालिफिकेशन, इससे मुराद ये है कि आपने स्टैप पोजीशंस जो हैं उनको अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन इस्टैब्लिश करने हैं. लाइक प्रोजेक्ट मैनेजर्स होंगे, सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम इंजीनियर्स आपने डिसाइड करने हैं, यू आर गोइंग टू डिसाइड अबाउट द साइंटिफिक और इंजीनियरिंग प्रोग्रामर्स, प्रोग्रामर एनालिस्ट. अब आप देखिए कि एक हायरार्की चल रही है, जिसकी बात हमने अभी प्रीवियसली की थी स्लाइड में कि ट्रेन स्ट्रक्चर्स मस्ट बी हायरार्किकल वन. तो आपने इसी तरह पहले मैनेजर, फिर सॉफ्टवेयर या सिस्टम इंजीनियर्स आएंगे, फिर आपके एनालिस्ट आएंगे, उसके बाद वेरिफिकेशन या वैलिडेशन इंजीनियर्स आएंगे, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर आएंगे. सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू सेट द पोजीशन अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन. फाइन. स्टाफिंग एक्टिविटी, स्टाफिंग कहते हैं कि व्हेन यू आर गोइंग टू हायर योर टीम. फाइन. सो फिल ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशंस, आपने उनको फिल आउट करने, पहले आपने वैकेंसी क्रिएट की है. जब आपने ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशन क्रिएट किया, इसका मतलब क्या है कि आपने एक वैकेंसी क्रिएट की है, और जब वैकेंसी क्रिएट हो गई है, अब आपने सूटेबल, ये जो सारी पोजीशंस हैं आपकी, ये अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन है. अब सॉफ्टवेयर या सिस्टम इंजीनियर्स हैं, उनकी क्वालिफिकेशंस उस पोजीशन के मुताबिक होनी चाहिए. अब आपने क्या करना है, अब आपने उस ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशंस को फिल आउट करना है. ठीक है. एसिमिलेट न्यूली असाइंड पर्सोनल, एजुकेट और ट्रेन पर्सोनल. आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप एंटायरली न्यू टीम को हायर करें, या ऐसा भी हो सकता है ऑलरेडी आपके पास ग्रुप ऑफ पीपल है, आप उनको एजुकेट करें, आप उनको ट्रेन करें, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करिए. फाइन. एंड प्रोवाइड फॉर जनरल डेवलपमेंट. ओके. तमाम एक जेनेरिक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए आपको उसकी उसी से रिलेटेड एजुकेशन एजुकेट करने की ज़रूरत होगी और ट्रेन करने की ज़रूरत होगी. इवेलुएट एंड अप्रेज पर्सोनल, आप उनकी इवेलुएशन करें, और इफ़ दे आर ऑलरेडी स्किल्ड एंड दे आर डूइंग बेस्ट, यू शुड, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उनको प्रॉपर अप्रेज करें. ठीक है. कॉम्पनसेट, टर्मिनेट असाइनमेंट्स, डॉक्यूमेंट स्टाफिंग डिसीजंस. फाइनली हर फेज के एंड पे आपने उस फेज के जो डिसीजंस हैं उनको डॉक्यूमेंट करना है. जब आप अपने स्टाफिंग ऑपरेशन को कंप्लीट कर लेंगे, तो आपने क्या करना है, आपने अपने तमाम डिसीजंस को डॉक्यूमेंट करना है, लिखना है एक डिलीवरेबल के फॉर्म में. उनको, स्टाफ को कॉम्पनसेशन दें, स्टाफ के असाइनमेंट्स को टर्मिनेट करें अगर वो ओवरलोड होने जा रहे हैं. अब इश्यूज जो आप फेस कर सकते हैं अपनी स्टाफिंग फेज में, वो क्या है, लैक ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग. अब प्रोजेक्ट मैनेजर की पोजीशन पे जो पर्सन आपने हायर किया है, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, सो दैट कैन क्रिएट अ बिग इशू. ग्रेटली वेरिंग स्किल्स, आपकी स्किल्स जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करिए, और आपकी टीम मैनेजमेंट में या स्टाफिंग में, स्टाफिंग होता है कि आप किसी पोजीशन को फिल आउट करें, वहाँ पे आपने एग्जैक्ट स्किल्ड पर्सन उसकी डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग फिल नहीं किया, उसको हायर नहीं किया, सो दैट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लमैटिक इशू फॉर यू. इन एबिलिटी टू प्रिडिक्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ इंजीनियर, आप में इस चीज़ की प्रॉपर डिसीजन मेकिंग नहीं है, आप इतने कैपेबल नहीं हैं कि आप इंजीनियर्स की प्रोडक्टिविटी को जो है वो प्रॉपर जज कर सकें. सो यू, सो दैट इज़ द लैक ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग. अगेन, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, स्टाफ का इतना एक्सपीरियंस नहीं है जो आपको प्रॉब्लम करवा सकते हैं, टर्नओवर आ जाता है वहाँ पे. नॉट इनफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, मोस्ट ग्रेजुएट्स आर थ्योरेटिकल और जस्ट कोडर्स. अब आपके पास प्रॉपर इंजीनियर्स अवेलेबल नहीं है जो कि सॉफ्टवेयर को अकॉर्डिंग टू फॉर्मल टेक्निक्स और मैथड्स जो है वो इंजीनियर कर सके. उनको प्रोसेस का नहीं आइडिया, उनको प्रोडक्ट को प्रॉपर इंजीनियर करने के फॉर्मल मैथड्स का नहीं पता, वो क्या है, उनको जस्ट थ्यूरी पता है, प्रैक्टिकली दे आर नॉट साउंड. और दे आर जस्ट प्रोग्रामर्स जो कि सिर्फ कोड कर सकते हैं किसी लैंग्वेज में. सो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स कैन बी फेस्ड बाय अ प्रोजेक्ट मैनेजर इन द फेज ऑफ स्टाफिंग. डायरेक्टिंग एक्टिविटीज, अगर आपने, जब आपकी लीडरशिप होगी, जब आपने कंट्रोल करना है एक्टिविटीज़ को, डायरेक्ट करना है, तो आपको कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फेस करना है. उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि यू आर गोइंग टू प्रोवाइड दम द लीडरशिप, you are going to supervise your team, you are going to authority, you are going to delegate the authority. आपने क्या करना है, अपने पर्सोनल को, अपने स्टाफ को मोटिवेट कर रहे हैं, उनमें पॉजिटिविटी लेके आनी है, उनमें चीज़ों को टाइमली करने का के लिए इनकरेज करना है. फाइन. आपने छोटे छोटे टास्क के लिए प्रॉपर टीम्स को बिल्ड आउट करना है, आपने उनकी एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेशन लेके आना है, आपने उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके देना है जिसमें कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट किया जाए, ताकि उनको आसान हो बात करना, उनको राबता करना आसान हो. आपने उनके कॉन्फ्लिक्ट्स या कन्फ्यूजन को सुनना है, रिजॉल्व करना है, अंडरस्टैंड करके उनका सोल्यूशन प्रोवाइड करना है. सो दिस इज़ व्हाट यू आर
when you are a manager, when you are on a director post, when your responsibility is to direct things. So you have to keep in your mind that you have to manage changes, resolve conflicts, etc. Finally, directing decisions, जितने भी होंगे आपने उनको document करना है. Document करना एक very important task है जिसको आप ignore नहीं कर सकते. Job motivations create होनी चाहिए. Job motivations में जो attractions हैं वो किस चीज़ में होती हैं, आपका अच्छा salary package हो, आपके advancement के chances हो, आपकी proper training हो रही हो, आपके जो office location है वो आपके hometown के बिल्कुल पास हो, hometown में हो, या work environment friendly हो, आपको extra benefits दिए जा रहे हो, आपको allowances दिए जा रहे हो, आपको facilities pick and drop दिया जा रहा है, आपको job satisfaction दी जा रही हो, आपसे feedback लेने के बाद आपको proper environment देना चाहिए. So this is all the points that can make or create attractions for personas. Job dissatisfiers में क्या चीज़ आ जाती है कि आपकी company की mismanagement हो रही है, आप में proper team management नहीं है, आपका coordination established नहीं है, आपका poor work environment है जिसमें किसी किस्म की कोई facility provide नहीं की जा रही, आप में proper accomplishment की feeling नहीं है, poor recognition है, inadequate salary benefits जो है वो अच्छे नहीं है, ठीक है, little आप में advancement के chances नहीं है, आपके benefits बहुत poor हैं. So these are the points that we should टेक केयर कि जिसकी वजह से हमारी टीम का जो 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 आप उसे कह सकते हैं कि जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल है वो डाउन चला जाएगा. सो यू हैव टू वर्क ऑन जॉब अट्रैक्टर्स एंड यू हैव टू इग्नोर, यू हैव टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर योर डिससेटिस्फायर्स, जॉब डिससेटिस्फायर्स. दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट अ प्रॉपर प्रोजेक्ट मैनेजर शुड कीप इन हिज और हर माइंड. Controlling activities involved, you have to develop standards of performance. आपकी performance के standard होने चाहिए. Low standard चीज़ों पर आप compromise नहीं करेंगे. आप proper monitoring और reporting system establish करेंगे जिसमें proper control होगा. आपको आपके personal के activities के बारे में know-how होगी. आपने उनके progress को record किया होगा. आपने उनकी progress और activities के according उन्हें feedback provide किया होगा. आपने उनके analyze results जो वो produce करें उनको मेजर करना और एनालिसिस करना है, उनको फीडबैक देना है दैट दे आर डूइंग राइट और रॉन्ग. यू और आपने उनके अगर इफ दे आर डूइंग रॉन्ग तो आपने करेक्टिव मेजर्स, करेक्टिव एक्शंस को इंट्रोड्यूस करवाना है. आपने उन्हें रिवॉर्ड देना है, इफ दे आर परफॉर्मिंग बेस्ट यू हैव टू रिवॉर्ड देम, यू हैव टू क्रिएट एन एनवायरमेंट ऑफ डिसिप्लिन. एंड फाइनली जिन चीजों को आप कंट्रोल करें कि आपने उनको डॉक्यूमेंट करना है. दैट वॉज ऑल फॉर टूडे. आपके कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, आप उसे नोट डाउन कर लें, हम उसे कमिंग सेशन में डिस्कस कर लेंगे. टिल देन अल्लाह हाफिज़.